Which chapter you have completed? कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बताइए. गुड मॉर्निंग मैम. माइक को म्यूट रखिए, बार बार बोल रहा है. कुछ रिप्लाई करना हो म्यूट कर दीजिए, फिर कोई नहीं बोल पाएगा. यदि हमने कुछ क्वेश्चन किया तो रिप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए हम कह रहे हैं आप खुद म्यूट करके रखिए. यदि हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप अनम्यूट करके रिप्लाई करके फिर तुरंत म्यूट कर दोगे. मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए. कौन हमको बता रहा है बार बार हमको क्या करना चाहिए? कौन बता रहा है? अंश लेट कर क्लास में पढ़ाई होती है, उठ के बैठिए, स्ट्रेट बैठना है जैसे क्लास में बैठते हैं. आप माइक को म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो अंश त्रिवेदी? म्यूट योर माइक. चलिए ओके, अब स्टार्ट करते हैं. चैप्टर एट में आपको पूछ चुके हैं कि सबको समझ में आ गया, सब क्लियर हो चुका था, अब कोई डाउट नहीं है. हाँ, आप लोगों ने ये बोला था कोई डाउट नहीं है. आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फोर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अवर फर्स्ट स्कूल. ओके, इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन. यू विल नोट इन योर ईवीएस नोटबुक एंड राइट द आंसर. अभी हम क्वेश्चन देंगे बहुत सिंपल से, कुछ आपकी बुक में हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं. यस, क्वेश्चन को हम बोर्ड में लिखेंगे, आपको नोटबुक में नोट करना है और आंसर लिखना है. आप बुक में उसको मत ढूंढिएगा, शायद बुक में ना मिलेगा, इसलिए आपको कॉमन क्वेश्चन दे रहे हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? मैम फोर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मतलब आपके घर? हमको रिप्लाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है. ओके, अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, म्यूट करके रखिए, हम ऑल म्यूट कर देंगे. म्यूट हम साइड तभी होंगे जब म्यूट करोगे माइक. ओके वेट, एक मिनट, वेट वेट, यही क्वेश्चन लिखना है. How many members in your family? Okay, आपको आंसर लिखना है.
आपको अपने घर में जितने मेंबर हैं उनको काउंट करके आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट मेंबर? आपके घर में आपका फेवरेट मेंबर कौन है? मैम माय मदर। हमने क्या कहा, रिप्लाई नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन को समझकर लिखना है। डोंट रिप्लाई नाउ, ओनली यू विल राइट इन योर नोटबुक। ओके, अवनी माइक को म्यूट करिए। अवनी, भरतवाज, म्यूट योर माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम ये जो आर की बगल में आई है कि ई है, फेवरेट के आर की बगल में आई है कि ई है? एस ओ, फेवरेट की स्पेलिंग नहीं आती क्या आपको? एस ए बी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट। ओके मैम। अभी ये क्वेश्चन के आंसर हम आपसे ओरल भी पूछेंगे। ओके, फर्स्ट यू विल राइट डाउन, आफ्टर आई एम आस्किंग यू। ओके, ओनली थ्री क्वेश्चन यू विल राइट इन योर नोटबुक एंड राइट द आंसर ऑल्सो आफ्टर आई एम आस्किंग वन बाय वन टू ईच स्टूडेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? What do your family members call you lovingly? मतलब? मैम माई कम्प्लीटेड। हाँ, कौन से पेज नंबर का करवा रही हैं? ये कौन पूछ रहा हमसे पेज नंबर? आपको बोर्ड से लिखना है, पेज नंबर से नहीं लिखना। हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये आपको बुक में शायद नहीं मिलेगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड है। So don't ask page number. You will write from board. Question समझ नहीं आ रहा है? I'll repeat one more time. If you want. Ma'am, I completed. Okay. Ma'am, I completed. ओके, जिनके कंप्लीट हो गए हैं हम वन बाय, आप म्यूट करके रखोगे माइक को, कोई बीच में रिप्लाई नहीं करेगा, जिसका नाम हम बोलेंगे वही रिप्लाई करेगा। शानवी, कंप्लीटेड योर वर्क? एम आई कंप्लीटेड। हमने क्या कहा है, वेट करना है, कोई बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे हम पूछेंगे वो रिप्लाई करेगा। शानवी, कंप्लीट हुआ आपका? मैम
मैम व्हाट हैपेंड मैम के आगे भी कुछ बोलोगे आप? मैम सुनिए डाउट है। बोलिए नाम बताओ पहले। आप अपना पहले नाम बताओ, कौन बोल रहा है? लक्ष्मी जयसिया। माय नेम इज लक्ष्मी जयसिया। लक्ष्मी बेटा बोलिए। मैम क्या आपको थर्ड पता उसको क्या बनेगा? हमने पूछा था कि आपको समझ में आया तो हम एक बार रिपीट कर देते। इसमें दिया व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली, मतलब आपके घर में आपको प्यार से क्या बुलाया जाता है, मतलब आपका पेट नेम क्या है या आपका घर का नाम क्या है, ये पूछा है। ओके क्लियर हो गया? चलिए अब सब म्यूट करिए। जिनका नाम लेंगे वो यदि सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड अराइज करना है और हमको रिप्लाई करना है। सबसे पहले शानवी, समृद्धि, शानवी सुन पा रहे हो आप हमें? शानवी ओके, थोड़ा आप माइक के पास बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। ओके माइक के पास बोलिए। हाँ वेरी गुड। अब हम आपसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुन के आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर क्या है जो बोर्ड में लिखा उसी का आंसर बस बोलते जाना। फर्स्ट का आंसर क्या है? वेरी गुड। सेकंड का? My favorite number is my grandma. Very good. Third? My family call me Navi. Lado. Okay. Very good. Okay. Good. And second, Lakshmi, are you ready? Lakshmi? Yes, ma'am. ओके रिप्लाई करना है आपको, थोड़ा माइक के पास बोलेंगे बेटा ना। फर्स्ट का आंसर क्या है? How many members are six? How many members are six? Ma'am? Yes. How many members are six? ओके गुड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर? मां ये प्यार मां माय फेवरेट मेंबर इज पापा। वेरी गुड। थर्ड? मस लोग मुझे प्यार से ओगी बुलाते हैं ना। नो मैंने क्या किया? ओके लिसन, जब हम आपसे आंसर पूछे थोड़ा माइक के पास बोलिएगा, वॉइस क्लियर नहीं आती है। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रियव्रत, प्रियव्रत पांडे रेडी है आप? रिप्लाई एंगल प्रियव्रत। प्रियव्रत नहीं बोल पा रहे हो। अंशिका क्या बोल रहे हो? मैम बोलिए। कौन बोल रहा है? बोलो अंशिका। नेम बताइए। मैम आप क्या पूछ रही हैं? प्रियव्रत बोल रहे हो? यस मैम। ओके आपको रिप्लाई करना है, फर्स्ट का आंसर क्या है? My family member is six. देखिए क्लियर बोलिए, रॉन्ग भी बोलोगे चलेगा, कोई बात नहीं हम उसको समझा लेंगे, लेकिन आपको बोलना क्लियर है। My family member is six. आपको एकदम क्लियर आंसर देना है, कितने? सिक्स सेवन एट कितने भी है या फोर है? फोर मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके
बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है जो इसी क्वेश्चन से आपको मिल रहा है। मेरा कंप्यूटर फैमिली। ओके सेकंड व्हाट इज द सेकंड आंसर? थोड़ा माइक के क्लोज बोलिए, क्लोज होकर बोलिए। मैम कैन आई टेल? वेट वेट, पहले सेकंड का आंसर क्लियर रख, पहले आप बोलो। मुझे काम मंगाया था मैम, मेरा कंप्लीटेड। मैम माय फेवरेट फैमिली मेंबर इज कंप्लीटेड। ओके वेरी गुड। थर्ड And my family. Family call me Amok. What is your pet name? आपका name pet pet name क्या है? मैम my family number 10. मैम my pet name. आपको यहाँ आंसर देना है my family members call me. मैम my family number 10. ओके हमको माय फैमिली नंबर 10। कौन बोल रहा है, कौन बोला अभी? जिसका नाम लेंगे वही बोल रहा है। प्रियव्रत ने बता दिया। ओके अंश त्रिवेदी। यस मैम, हाउ मेनी? आंसर बोलना है, क्वेश्चन नहीं, आंसर बोलना है। In my family, six members, four members only. Okay. Second. जिनका हैंड्स अप है हम उससे पहले पूछेंगे। दीपांशी पटेल वीडियो ऑन करिए, सौभाग्य वीडियो ऑन करिए। यस दीपांशी रिप्लाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट? अनम्यूट करिए, पहले माइक को अनम्यूट करिए। हाँ यस मदर फादर सिस्टर। नो नो ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना? हाउ मेनी मेंबर्स, कितने, ये बस काउंट करके बताना है कि इन माय फैमिली आर सिक्स मेंबर्स, आर फोर मेंबर्स, ऐसे इन माय फैमिली आर सिक्स मेंबर्स। कितने आपको केवल नंबर और मेंबर्स बताना है। मैम एट, फुल सेंटेंस में इन माई फैमिली आर एट, देयर आर एट मेंबर्स फैमिली। ओके वेरी गुड दीपांशी। सेकेंड सेकेंड का आंसर आप लोग बीच में नहीं बोलोगे, जिससे पूछते वही बस बोलेगा। माई फेवरेट कैसे बोलोगे? माइक को म्यूट करोगे तो कैसे पता चलेगा? आप प्रैक्टिस करा रहे हैं क्या? आपके भैया बैठे हैं वो प्रैक्टिस करा रहे हैं क्या? नो मैम। सिंपल सेंटेंस है बेटा, जैसा बने वैसा बोलो, आपको बोलने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। रॉन्ग भी होगा कोई बात नहीं, बोलिए। लेकिन हु इज योर फेवरेट मेंबर? माय फेवरेट मेंबर इज, जो है वो बोल दीजिए। माय फेवरेट मेंबर इज, दीपांशी जल्दी बोलो नेक्स्ट नेम आए थे। दूसरी जगह वीडियो ऑन कर दे, इधर मैं था जल्दी बोलूं। सौभाग्य। ओके आप नहीं बोल पा रहे, सौभाग्य, सौभाग्य गुप्ता। सौभाग्य बस गुस्सा हो गई ना, बदतमीज लड़की। मैम ये कौन है अभी इतनी बड़ी यूज कर रहा है? मैम मैम लव के बाद दीपांशी शांत हो जाइए आप। चलिए आप बोल रहे हो क्या मैम? हाँ ये थर्ड वाले क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा है?
लविंगली लिखा है, मतलब कॉल यू लविंगली, आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं घर के लोग, ठीक है? एनजी सौभाग्य बोल पा रहे हो क्या आप, सुन रहे हो हमारी वॉइस सौभाग्य गुप्ता मैम? जल्दी बताइए, नहीं बोले कौन बोल रहे मैम? प्राची बहुत अपेल मैम, 15 members in my family. हाँ, very good. और second answer, सौभाग्य? My favorite is my father is my favorite member in my family. Very good. Third, what is your pet name? आपका pet name, प्यार से क्या बुलाते घर में? हम सौभाग्य बुलाते हैं. Okay, very good. चलिए next है दिव्यांशी द्विवेदी. मैम अब आप लोग म्यूट करते जाइए, जिसका नाम लेंगे वही अनम्यूट होगा, नहीं हम निकाल देंगे क्लास से बाहर. दिव्यांशी द्विवेदी क्या सुन रही हो? यस मैम. हाँ रिप्लाई आंसर फर्स्ट. दिव्यांशी द्विवेदी रिप्लाई yes, मैम. जल्दी रिप्लाई करो बेटा, बहुत से बच्चे वेट कर. मैम सिक्स. बस सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, रिप्लाई इन फुल सेंटेंस. माय फैमिली मेंबर्स सिक्स. ओके सेकंड आंसर. Second, who is your favorite member? आपका फेवरेट मेंबर कौन है? रिप्लाई इट हरी अप. ओके टाइम ओवर हो रहा है, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट को बोलते हैं. मैम हम. ओके हर्षिता. हर्षिता मैम हम. Yes, ma'am. हाँ, okay. First answer. बाकी बच्चे म्यूट करिए माइक को, बार बार बोल रहे हैं. अथर आस्था म्यूट करिए माइक को. रिप्लाई मैम सेवन. फुल सेंटेंस में रिप्लाई करिए, हम बोलने की प्रैक्टिस करा रहे हैं इंग्लिश में. क्या लिखा है हर्षिता? रिप्लाई करिए, इसमें लिखा है हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, तो बताइए आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, फुल सेंटेंस में बताइए. इन माय फैमिली या देयर आर फोर मेंबर्स, देयर आर फिफ्थ मेंबर्स इन माय फैमिली, बोलिए इस तरह से. हाउ मेनी? नो नो आंसर बोलना, ये क्वेश्चन नहीं बोलना आपको. In my family, very good. Have yes. seven numbers. Okay. Second answer बोलिए. My favorite is father. Okay. My favorite members is father. Okay. Third. आप ओके अब सोम आर यू रेडी? सोम पांडे मैम. माई ओके. अब हर्षिता आपका टाइम अप हो चुका है, अब आप अनम्यूट मत करिएगा. सोम पांडे यस मैम. फर्स्ट का आंसर बोलिए. मैम देयर आर फोर मेंबर्स इन माय फैमिली. आंस बार बार कह रहे हैं, म्यूट करिए माइक को, समझ नहीं आ रहा आपको. हाँ यस वेरी गुड. सोम सेकंड सेकंड आंसर. मैम माय फेवरेट फैमिली मेंबर इज माय मदर. वेरी गुड. थर्ड आंसर. मैम आशु. वेरी गुड.
वेल डन। अभी जितने बच्चे बाकी हैं जिनको आज हम नहीं पूछ पा रहे उनको नेक्स्ट डे पूछेंगे, लेकिन अभी एक बच्चे को हम और पूछ सकते हैं। अथर्व, अथर्व बोलिए। अथर्व, अथर्व तांद्रकर बोलिए। वेरी गुड। सेकेंड आंसर, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अथर्व बोलेगा भी बस। थर्ड आंसर सन। हाँ ओके। यश पांडे, यश पांडे। यस मैम। यस रिप्लाई फर्स्ट आंसर। My family member is 4. Very good. Second answer. My family member is my father. Very good. Third answer. Yes, please. Okay. Janmejay Chaturvedi. Janmejay. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Reply. What is the first answer? There are 10 members in my family. Very good. Second answer. My favorite member in my family, mother. Very good. Third answer. Raghu. Okay. Very good, Janmejay. Arohi. Arohi. And my family member is 3. Okay. Second, my favorite member is father. Okay, third. Okay, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। अवनी, अवनी भरद्वाज। How many members in your family? Not answer my family are 5 members. Very good. Next question ka answer. Answer bas boliye jaldi se. Only answer. My favorite member is father. Very good. Third. My pet name is Lado. Very good. Ayushman Sharma. आयुष्मान शर्मा। मैम। हाँ यस बोलिए। माई फैमिली मेंबर 7। ओके वेरी गुड। सेकंड। माई फेवरेट मेंबर फादर एंड मदर। ओके थर्ड। माई पेट नेम इज आयु। ओके वेरी गुड। पूछ पा रहे हैं सब बच्चों को, जितने बच्चों से हमने पूछा उनके लिए हम क्लैप कर रहे हैं। वेरी गुड। ये प्रैक्टिस है आपका कन्वर्सेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। ओके डेली हम आपके 2 या 3 क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेंगे। एक मिनट, जिन बच्चों को आज हमने नहीं पूछ पाए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है? तो आप लोग प्रिपेयर करके रखना है, आपको एकदम बिल्कुल फ्री मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिप्लाई करना है। ओके कोई बात नहीं, यदि आपको देख हो रहा है रॉन्ग हो रहा है। मैम आपने, मैम बीच में मत बोलो, आपने क्राफ्ट दिया था ना एक बनाने को, मेरा बन गया। देखिए जब हम आपको कुछ बता रहे हो तो प्लीज बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाद में आपको कुछ भी पूछना है आप हमसे, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है? बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो आपको डेली कन्वर्सेशन के प्रैक्टिस करना है, ऐसे सिंपल सेंटेंस का अभ्यास करना है। ओके हम 2 या 3 एवरी डे एवरी क्लास में पूछेंगे। ओके चलिए टाइम ओवर हो रहा है बेटा, बाय करते हैं। बाय 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 बाय।